नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। लंबी चर्चा और मंथन के बाद आखिरकार बीजेपी ने यूपी का सीएम तय कर लिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े सूबे की कमान सौंपी गई है। राजनाथ सिंह से लेकर मनोज सिन्हा तक तमाम नाम दौड़ में आने के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने के फैसले ने कई लोगों को हैरान किया है। अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती को पूरा करने के लिए दो डेप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा डेप्यूटी सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान केंद्रीय ऑब्जर्वर वेंकैया नायडू ने किया। योगी आदित्यनाथ अभिनंदन स्वीकार करते हुए तमाम पार्टी के नेताओं का। हमारा जो पार्टी का विधि विधान है उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने। कारण क्या है, मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। घोषणा करने के बाद मैंने मेरा पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमित भाई शाह को मैंने मैसेज भेजा है, ये प्रक्रिया पूरा हो गया। और श्री योगी आदित्यनाथ जी विधायकों को धन्यवाद देते हुए अपना धन्यवाद भाषण में उन्होंने एक विषय अंत में कहा है, वो ये है, उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जो दायित्व मुझे दिया है ये दायित्व को ठीक तरह से संभालना है तो प्रदेश के हित में मुझे दो सीनियर साथियों का मुझे अवसर है, इसलिए दो सीनियर साथी को केंद्र पार्टी अनुमति दे, उनको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए अनुमति दी जाए, ऐसा कहा है। तो अपने शो में चर्चा शुरू करें, हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले यूपी की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड के गांव से निकलकर अजय सिंह कब योगी आदित्यनाथ बन गए पता ही नहीं चला। योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चल पड़े। अजय सिंह ने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी की, उसके बाद गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें दीक्षा देकर योगी बनाया। अवैद्यनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास ले लिया और अजय सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यहीं से उनका सियासी सफर शुरू हुआ और अजय सिंह यानी योगी आदित्यनाथ 26 साल के सबसे युवा सांसद बने। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ी, कट्टर हिंदुत्व और तीखे बयानों को लेकर अक्सर विवादों में बने रहे। धर्मांतरित हिंदू वापस अपने घर में आना चाहते हैं तो घर वापसी का है, ये शुद्धि का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही है, इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। 2007 के गोरखपुर दंगे के दाग योगी के दामन पर भी लगे, लेकिन उनकी ताकत बढ़ती चली गई। दादरी हत्याकांड पर बयान के बाद योगी आदित्यनाथ फिर सुर्खियों में आए, कभी लव जिहाद तो कभी धर्म परिवर्तन को लेकर वो बेबाक अपनी राय रखते चले गए। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हमला हुआ, बावजूद उसके वो रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। उनका सियासी रुतबा दिन ब दिन बढ़ता गया। 2014 में लगातार पांचवी बार गोरखपुर के सांसद बने। 5 जून 1972 को एक साधारण परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई जगह यही नारे लग रहे थे, देश में मोदी, यूपी में योगी, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए अब तमाम मेहमानों का तारुफ करा दें आपसे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह हैं,
सीनियर जर्नलिस्ट शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कपूर जी हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में शामिल है, सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद जी, कांग्रेस से सुलेमान मोहम्मद खान जी, वहीं समाजवादी पार्टी से लीडर पंखुड़ी पाठक हमारे साथ इस डिस्कशन में है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिनके लिए सबसे बड़ी खुशी है वो है अनिला सिंह जी, और शो के पहले भी काफ़ी बड़ी मुस्कान के साथ वो स्टूडियो में आके बैठी थी। अनिला जी, कई नामों पर अटकलें, कई नामों पर कयास, ये शायद यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवी के थ्रिलर सस्पेंस से भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, और आखिर का नाम निकल कर आया योगी आदित्यनाथ सिंह का। जी बिल्कुल, और मीडिया को भी चर्चा करने का एक विषय मिला हुआ था कि मुख्यमंत्री कौन। देखिए, यही खूबी है भारतीय जनता पार्टी की, बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो पर्सनैलिटी डिपेंडेंट हैं, और हमारे यहाँ पर मीडिया ये नहीं सोच पा रही थी कि इनका मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। परंतु योगी जी का चयन हुआ है और विधायक मंडल ने उनका चयन किया है, दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी मिले हैं, क्योंकि योगी जी ने कहा कि भाई इतना बिगड़ा हुआ प्रदेश है और उसको उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुझे बहुत सशक्त टीम की आवश्यकता है, दो मजबूत सहयोगी भी मुझे चाहिए होंगे। तो आज हमें तीन ऐसे चेहरे मिल गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश को, जो कि एक मरणासन हालत में समाजवादी पार्टी ने छोड़ा था, उसको फिर से उठाएंगे, फिर से जागृत करेंगे और विकास की राह पर चलेंगे। विकास की राह पर ले जाने के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना गया है। पंखुड़ी पाठक, अनिला जी तो कह रही हैं कि जैसी हालत में उत्तर प्रदेश हो गई थी उसको बारने के लिए योगी आदित्यनाथ और साथ में दो डिप्टी सीएम भी अब यूपी के नई अपार लगाएंगे। देखिए, एक बात अनिला जी की जो मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, तो थोड़ा अजीब लगता है कि जो 300 से ज़्यादा विधायक चुने गए उनमें से एक भी, जो ये तीन मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से एक भी नहीं बन पाया। तो ये विधायक दल ने तय किया है कि कहीं और से तय होकर आया है, मुझे लगता है कि ये विधायक भी बेहतर जानते हैं। बाकी जहाँ तक विकास की बात है, हमारी शुभकामनाएं योगी जी के साथ है कि सबका साथ सबका विकास, जो कि मोदी जी का नारा है, उसको वो उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाएं, और जो भी वादे 2014 में किए गए हैं और जो अब 2017 में किए गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि जनता अब समय देगी कि आप और समय लीजिए, क्योंकि 19 का चुनाव भी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि हम यही चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश को जिस विकास की राह पे अखिलेश जी लेकर गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी उसको उसी राह पे और आगे ले जाएं। ठीक है, अब से कुछ देर पहले हमने एक ट्वीट पढ़ा, संजय निरुपम जी का वो ट्वीट है जिनमें उन्होंने कहा है कि फाइनली बीजेपी हैज हैंडेड ओवर यूपी टू वीएचपी। इस पर सुलेमान मोहम्मद खान आपका रिएक्शन लेंगे। आप बता रही है संजय निरुपम जी ने ऐसा कहा है, लेकिन कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। आप देखिए, वो हिंदू युवा वाहिनी भी चलाते हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी एक्टिव हैं, और एक योगी आदित्यनाथ जी की जो एक इमेज है हम देख रहे हैं, 1998 से वो सदन में हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 19 साल से, और जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं आज, उन सब बातों को करने का तो मौका नहीं है। हम उन्हें शुभकामना देंगे, और जैसे कि पंखुड़ी ने कहा वैसे ही हम भी कहेंगे कि मोदी जी का जो स्लोगन है, जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और योगी आदित्यनाथ नॉट एज अ हार्ड लाइनर हिंदू लीडर वो बिहेव करेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं उनसे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा वादे किए हैं, अनिला जी ने कहा कि बहुत बिगड़ा हुआ प्रदेश है, तो अब ये भी इनका एक टेस्ट होगा कि इतने बड़े बहुमत के साथ यूपी में भी हैं, केंद्र में भी हैं, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ बचा नहीं है। तो भाजपा को अब जो बात करते हैं कि बेहतरीन विकास करेंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, तो अब इससे अच्छा उनके पास मौका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे और शमशान, कब्रस्तान और कसाब को भूल के सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें। सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो गया अनिला सिंह जी, और कोई मुद्दा नहीं सामने आएगा, राम मंदिर का मुद्दा सामने नहीं आएगा, या जो और मुद्दों की बात की जा रही थी विकास के अलावा? ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, और जिसमें कि अभी सुलेमान साहब ने जो कहा है कि आप शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं करेंगे, तो उसकी भी बात होगी, और जैसा रिप्रेजेंटेशन है इस प्रदेश में उस मुताबिक कब्रिस्तान भी बनेंगे और उसके साथ साथ शमशान भी बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल और केवल एक चीज़ बनेगी और दूसरी चीज़ नहीं बनेगी। ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है और इसी को लेकर हम बढ़ेंगे, क्योंकि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं, केवल और केवल डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स। बस सिर्फ अनिला जी की बात का जरा सा ये जवाब दूंगा, अगर इतनी फिक्र थी
आपको सबका साथ और सबके विकास की, तो उत्तर प्रदेश में आपने अकलियतों से माइनॉरिटीज को किसी को रिप्रेजेंटेशन में नहीं रखा है, और अगर आपकी यही सोच थी तो आपने क्या विकास किया? अगर गवर्नेंस में आपने नहीं रखा 1/5 आबादी को, उत्तर प्रदेश की 1/5 आबादी को आपने गवर्नेंस में मौका नहीं दिया, तो कैसे सबका साथ हुआ और कैसे विकास होगा? ठीक है, इसका जवाब अनिल सिंह से लेंगे, लेकिन पंखुड़ी कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं, एक बात मैं भी कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बहुत ही शुभ दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश को 3 नए मुख्यमंत्री मिले हैं, तो मुझे लगता है कम से कम ऐसे मौके पर अनिल जी को शमशान और कब्रिस्तान को छोड़कर कोई विकास की बात कर लेनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री हैं, नहीं नहीं, मुझे लगता है 3+2 जो ऊपर भी हैं मोदी जी और अमित शाह जी। तो अनिल जी, मुझे लगता है कि अब पता लग जाएगा, प्रदेश देख रहा है और सारे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता देख रहे हैं कि जिस बात पे कटाक्ष करते रहे आज वही चीज सामने हो गई है। एक एड चला करती थी कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो जो दो मुख्यमंत्री बने हैं, मैं लोगों से कहूंगी, जनता से हम कहेंगे कि आप जरा गूगल विकिपीडिया पे जाकर उन लोगों का आपराधिक इतिहास भी देख लें, क्योंकि ये गुंडा राज वाला तो मुझे लगता है कि जो ये तो एक जुमला था, ये तो खैर नहीं चला, लेकिन बाकी हम यही आशा करेंगे कि कब्रिस्तान और शमशान को छोड़ के और कोई विकास की बात हो जिसकी उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी से करती है। और इंक्लूसिव 5 साल शमशान और कब्रिस्तान की बात, हर स्तर का विकास होगा, सब कुछ होगा। ठीक है।